खूबसूरत डिश खानी है तो आ जाइए वर्षा की रसोई में। फ्रेंड वर्षा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सीताफल का कुछ ऐसा जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी हो, जिसके अंदर ना ऑयल हो और देखने में और खाने में बेहद खूबसूरत हो। तो हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सीताफल को काट लिया है। काटने के बाद उसके टुकड़े करके उसको इस तरह स्टीम कर लिया है। ये देखिए, कुकर में पानी डालकर कटोरी में रख दीजिए और इसको एक दो सीटी लगा दीजिए, जिससे ये स्टीम हो जाएगा। इतने हम लेंगे इसमें थोड़ा सा आटा। ये देखिए, थोड़ा सा आटा लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सीटियां आ गई हैं और ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसको निकालेंगे और इसकी प्यूरी बना देंगे। अब इस प्यूरी को हम आटे में डाल लेंगे और इसका आटा लगा देंगे। जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, वैसा ही आटा लगाना है हमें। बस अब आटा लग गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल का या घी का हाथ लगाकर इसको ढक कर रख देंगे। अब हम बनाएंगे पीठी। इसके लिए उबले हुए आलू मसल लें अच्छे से और इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। ये देखिए, एक इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का और तीन चार हरी मिर्च डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तीखा खाना हो तो तीखा भी बना सकते हैं। इसमें नमक डाल रही हूं मैं और इसके बाद मैं डालूंगी लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर भी डालूंगी ताकि ये चटपटा हो जाए। अमचूर डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी और इसको मिश्रण को अच्छे से मिला लूंगी। आलू की पीठी बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने नमक मसाला सब मिला लिया। आटा बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम गरम करेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, आधा गिलास पानी मैंने गरम करने रखा है। इसको एक स्टीमर की तरह यूज करेंगे हम पतीले को। आप चाहें तो अपना स्टीमर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें से आटे में से हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे इस तरह से। इसमें इस तरह से गड्ढा करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी पीठी भर देंगे। ये देखिए, इस तरह इसका लड्डू सा बनाया आपने गोल गोल और इसके अंदर कर दिया फिल। इसको कर दिया अच्छे से बंद। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम सारे राउंड सर्कल बना लिए हमने, इनको फिल कर लिया अंदर। अब हम लेंगे नॉर्मल सा धागा, या आपके पास सुतली का धागा पड़ा हो तो इस तरह का ले सकते हैं। एक धागा ऐसे रखिए और एक धागा ऐसे रखिए, मतलब क्रॉस में रखिए और इसको बीच में रखकर ना आप इसको हल्का हल्का बांध दीजिए। इसको इस तरह से आप छलनी में रखते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने सारे इसमें रख दिए हैं छलनी में। और अब हम इसका ढक्कन रखेंगे ना, तो उसको कपड़े से कवर कर देंगे ताकि स्टीम का जो पानी निकलेगा ना, तो वो उसको भिगो ना दे। इस तरह इसको हम रख देंगे और करीब 10 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम बंद करते हैं लिड को और अब इसको खोलते हैं। ये देखिए, ध्यान से खोलिएगा। स्टीम बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने कपड़ा रखा था ना। और ये देखिए, कितने खूबसूरत आपके छोटे छोटे सीताफल बनकर तैयार हैं। क्या कोई सोच सकता है कि सीताफल की ऐसी डिश भी बन सकती है? सच बताइएगा, कभी आपने सोचा था कि गरीब दास यानी कि सीताफल से आप इतनी खूबसूरत डिश बना सकते हैं, वो भी विदाउट ऑयल, स्टीम करी हुई, बहुत ही हेल्दी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, आयरन से भरपूर ये डिश। इसको आप चाहे तो टमाटो सॉस के साथ खाइए, ग्रीन चटनी के साथ खाइए, इमली की चटनी के साथ खाइए या शेनवत सॉस के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए। आप इतराएंगे और मेरे गुण जरूर गाएंगे। वर्षा की रसोई आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, प्यारे कमेंट्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इनको धागे को काट दीजिए आप और प्लेट में सजा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने शानदार ये बने हैं ना सीताफल के पेड़े, जिनमें ना तो कोई ऑयल है ना घी है और इसमें भरा हुआ है आलू का शानदार चटपटा मसाला और है सीताफल, छिपा रुस्तम सीताफल। जरूर बनाइए, खाइए और वर्षा के गुण गाइए। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।